I have not carried out any assault, neither I was carrying out any assault with rod or mask. I don't know from where Delhi police is getting such narratives. Anyways, whatever the thing is, the investigation will be done. And I have full faith in the law and order of this country that there will be a very fair, and I don't fear anything because I have not done anything wrong. So I have full faith in the law and order of this country that it will be in a very justified position and I will get the justice of what has happened to me. And not a single FIR, abhi tak, mera jo complaint hai, usko FIR mein nahi turn kiya gaya. Ye janleva hamla nahi hai. लेकिन कुछ वीडियो में कहीं पे मैं देखी हूँ दैट इज अ सस्पेक्ट ऑफ डूइंग समथिंग. आई जस्ट वांट टू नो इज द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दिस कंट्री वर्किंग इन अ वे. दिल्ली पुलिस क्यों बायस तरीके से काम कर रहा है मुझे ये जानना है कि मेरे ऊपर ये जानलेवा हमला नहीं है लेकिन किसी एक वीडियो में मैं दिखती हूँ कुछ नहीं. मैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव हूँ. हम लोग चार जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव है. कहीं पे कैंपस में इमरजेंसी होता है जहां पे सिक्योरिटी नहीं होता है हम दौड़ के पहुंचते स्टूडेंट्स के एसओएस कॉल्स पे. तो क्या हमारा कैंपस के अंदर कहीं पे पहुंचना सिक्योरिटी रीजंस के वजह से गुनाह है? मैं ये पूछना चाहती हूँ. क्या ये बता देता है कि वो वहां पे वो कर रहे थे? उनके पास क्या एविडेंसेस है? दिल्ली पुलिस ये क्यों नहीं रिलीज करता है कि क्या एविडेंस है जिसके वजह से वो सस्पेक्ट कर रहे हैं? उनके पास कोई एविडेंस नहीं है. जो एक एविडेंस मीडिया में चला था वो हमें भी पता है. उसका क्लैरिफिकेशन मैं बार बार दे चुकी हूँ कि एज जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन रिप्रेजेंटेटिव जब हम लोग दोनों रोक रहे थे एक दिन एक कपिल सतीश को मारा गया मेरे सामने, तो क्या कल आप उसका चेहरा गोल करके बोल दो कि ये सस्पेक्ट है उस चीज में? नहीं. ही इज डूइंग हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज द जनरल सेक्रेटरी. ही इज डूइंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड द जॉइंट सेक्रेटरी. आई एम डूइंग माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रीच एट द प्लेस टू सेव माई स्टूडेंट्स एज द प्रेसिडेंट. एम आई रॉन्ग इन दैट वे? आपका सिक्योरिटी कहां रहता है? हमें क्यों पहुंचना पड़ना पड़ता है?